अब साइनअप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास में वेरिफिकेशन मेल आता है, तो यहाँ पर मैं एक बोर्ड बनाता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो वेरिफिकेशन पेड टू के नाम से। तो मैंने मेक अपने बोर्ड पे क्लिक किया है, क्रिएट पे क्लिक किया है, उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रेन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं gmail.com को ओपन करता हूँ और gmail.com का जो URL है वो मेरे पोर्ट के इवेंट्स के अंदर सेव हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च मेल के अंदर लिखता हूँ स्टैक ओवरफ्लो और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद मुझे जो पहला मेल दिखता है मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके अंदर मुझे वेरिफिकेशन की लिंक मिली है जहाँ की कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन लिखा है। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये नए टैब के अंदर ऑटोमेटिकली स्विच कर लेता है और मेरे अकाउंट को वेरीफाई कर लेता है। तो मैं क्या करूँगा कि स्पोर्ट का जो लास्ट में स्विच टू टैब हुआ था मैं उसको डिलीट कर लेता हूँ, लास्ट वाले इवेंट्स को, क्योंकि तो ऑटोमेटिकली वो स्विच होता है। हमें यहाँ पर बोर्ड के थ्रू ट्रेनिंग में नहीं करने की नीड है इसको। यहाँ पर हमारे बोर्ड की ट्रेनिंग समाप्त होती है।